नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय अवतार प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो कल 22 मार्च को पैदल मार्च रखा गया था, जो डाक बंगला चौराहे पर जो आंदोलन चल रहा था, सातवां चरण के शिक्षक नियोजन की तिथि घोषित करने के लिए अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। सीटेट और बीटेट शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, 2 दर्जन घायल। जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम। एक अभ्यर्थी थे दरभंगा के अनीसुर रहमान, उनको बर्बरतापूर्वक जो है एडीएम के द्वारा, लॉ एंड ऑर्डर एडीएम के द्वारा जो है बर्बरतापूर्वक जो है लाठियां चटकाई गई और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अविलंब उसको बर्खास्त किया जाए और ये जांच वांच का ये क्या नौटंकी है, अविलंब कार्रवाई की जाए ऐसे एडीएम पर। थोड़ा भी उसको समझ होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्या थे। अभ्यर्थी तो आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे थे, अपना अधिकार मांग रहे थे। वो सीटीटी बीटी टीएसटीटी पास अभ्यर्थी अगर अपना नियोजन के लिए मांग कर रहे हैं तो क्या गलत मांग कर रहे हैं। हमारे विद्यालयों में आप जानते हैं कि कितने शिक्षक पद रिक्त हैं और तभी जो ये सरकार जो है बच्चों के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रही है। और ये जो तानाशाही जो बिहार सरकार है उसे अविलंब जो है सातवां चरण का शिक्षक नियोजन की तिथि घोषित करनी चाहिए। और इतने दिनों से, 3 सालों से अभ्यर्थी जो है आंदोलनरत हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा ये दरख्वास्त है बिहार सरकार से कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे, जल्द से जल्द जो है डेट जारी करे। ऐसे नहीं कि धैर्य रखे। 4 साल से लोग जो है धैर्य रखे हुए हैं और आप बार बार जो है जितने भी शिक्षा मंत्री आते हैं वो कहते हैं धैर्य रखे। कितना धैर्य रखेंगे लोग, कितना पेशेंस रखेंगे, कितने स्टूडेंट्स का जो है एज खत्म हो रहा है, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। तो ये सब मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है बढ़िया तरीका से जो है इस मुद्दा को उठाया और ऐसे ही उठाते रहे रोजगार के मुद्दों को। और रोजगार पर जो है जो चीज़ें घट रही है हमारे देश में, हमें लगता है कि देश की स्थिति बहुत ही नाजुक हालात में है। और कोई भी जो है अभ्यर्थी, पढ़े लिखे अभ्यर्थी जो सीटीटी बीटीटी इतने स्ट्रॉन्ग एग्जाम होते हैं उसको पास करके बीएड करके और रोड पर भटक रहे हैं, लेकिन इसको कोई पूछने वाला। और नेता लोग जो है एसी में बैठ करके अपना आराम कर रहे हैं। दोस्तों, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है सीएम नीतीश कुमार तक पहुंच सके और उस वो जो सोए हुए हैं वो जागे और जल्द से जल्द जो है सीटेट बीटेट जो है शिक्षक अभ्यर्थी है उस पर लाठीचार्ज, इस ढंग से जो सरकार का निकम्मापन जो है वो दिखता है। तो हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि डेफिनेटली जो है बहाली के लिए जो है इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी डेट नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार की शिथिलता बतलाती है। और देखिए क्या होता है आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।